हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका मिश्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक फॉर्म, कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, और इसके बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। आइए तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन अपने आप में एक प्रोसेस होता है जिससे हमारा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से कह सकती हूं कि मेरा डीएनए का फॉर्मेशन है, आरएनए बनाना, इसको मैं ट्रांसक्रिप्शन बोलती हूं। ये कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, राइट। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है, डीएनए से आरएनए बनना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स को तोड़ना होगा, ठीक है। हमारे पास डीएनए के कितने सेगमेंट्स होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डीएनए जो होता है इसकी पोलारिटी होती है 3-2, 5- एंड 5-2, 3-। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को पहले हमें अनवाइंड करना होता है। अनवाइंड करने के लिए, जैसा आपको पता है, हमें क्या यूज करते हैं, टोपो आइसोमेरिज्म आइसोमेर को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको अनवाइंड कर दिया। अनवाइंड करने के बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्रैंड जो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा या कौन सा स्ट्रैंड जो है वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड बनेगा। तो जैसा कि एनसीईआरटी कहती है कि हमें कोडिंग स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम कोडिंग स्ट्रैंड को बाद में एज अ वेस्ट स्ट्रैंड करके यूज करके बोल देते हैं कि वो भी हमारे किसी यूज का नहीं है, राइट। वो वेस्ट स्ट्रैंड हो जाता है हमारे लिए। जबकि जो एमआरएनए होता है, वो फॉर्म अगर हम देखें तो किस पे फॉर्म होना स्टार्ट होता है, या हम एचएनआरएनए की बात करें तो वो कोड किसको करता है, तो वो कोड करता है 5-2, 3- वाले को। इसका एक छोटा सा लॉजिक है जो हमें समझना है। तो लॉजिक ये है कि जो आपका 5-2, 3- आपकी डायरेक्शन जो होती है एमआरएनए की होती है, यानी फॉर्मेशन मेरा जो आरएनए का होगा वो 5-2, 3- चलेगा, राइट। 5-2, 3- मेरा एमआरएनए का सिंथेसिस या आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो इसको कोड करेगा, कोडिंग बेसिकली है क्या, कोडिंग होता है जैसे मेरे नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। आप जैसे डीएनए में जानते हैं तो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। आइए तो मैं नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करूंगी। तो मैंने यहाँ पर आपका ये सेगमेंट बना दिया है डीएनए का, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा सेगमेंट बना लेती हूँ डीएनए का। तो यहाँ पर क्या है, मैंने सपोज इसको कहा TAGC, है ना। ये मैंने क्या किया, ये मैंने सीक्वेंस लिया है TAGC। ये TAGC जो सीक्वेंस है ये मेरा डीएनए का है। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मुझे कहाँ मिलता है, डीएनए के दूसरे फ्रेगमेंट पे, यानी ATCG। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं जो कि कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको मैंने अनवाइंड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे एमआरएनए का सिंथेसिस करना है। अब इसमें से कौन सा स्ट्रैंड होगा जो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड होगा और कौन सा स्ट्रैंड होगा जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। मैंने यहां पर इसकी पोलैरिटी लिख दी है। पोलैरिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पोलैरिटीज किस तरीके से होती हैं, ठीक है, कैसे डिफाइंड होती हैं पोलैरिटीज, कैसे डीएनए के दो सेगमेंट जो होते हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर मुझे आरएनए बनाना है तो जैसा कि आप जानते हैं डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, थाइमिन होता है। Whereas, अगर मैं mRNA की बात करूंगी तो mRNA पे मुझे क्या मिलेगा, थायमिन की जगह पे क्या होता है बेटा हमारे पास, थायमिन की जगह पे हमारे पास होता है यूरेसिल, है ना। यही हमको पढ़ाया जाता है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए, है ना। अपार्ट फ्रॉम कि ये सिंगल स्ट्रैंड है और ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसके अलावा ये एक मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास टी के साथ अगर मैं यहाँ पर यू लगाती हूँ,
अगर मैं mRNA को सीक्वेंस बनाने के लिए यहाँ पे यू लगाती हूँ, तो मुझे ए के साथ क्या लगाना पड़ेगा? ए के साथ के लिए मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो ए के साथ भी यू लगाना पड़ जाएगा मुझे, और जी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? सी लगाना पड़ेगा, और सी के साथ मुझे जी लगाना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस नहीं होता है कभी भी, हम दो नाइट्रोजनस बेस पेयर को एक के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना सकते। यानी ये वाला जो मेरा पार्ट है ये कैसा है? ये गलत हो जाता है, ठीक है, राइट। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा गलत हो जाता है, तो मैं इसको इरेज कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए, एक सेकेंड देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा डीएनए आरएनए का एक सेगमेंट लेते हैं। यानी मेरा जहां जहां पे टी होता है वहां पे मैं यू नहीं लगा सकती, तो जैसा कि मुझे पता है कि टी की जगह डीएनए के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, तो यानी जहां जहां पे मेरा ए है मैं वहां वहां पे क्या करूंगी, यू को रिप्लेस कर दूंगी, राइट। तो यानी यहाँ पर टी की जगह मेरे साथ क्या लग जाएगा, ए, और ए की जगह क्या लग जाएगा मेरा, यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पे हो जाएगा जी। तो ये मेरा mRNA का सीक्वेंस बन गया, अब मेरा mRNA जो है वो सही तरीके से फॉर्म हो गया, ठीक है। ए की जगह रिप्लेस हो गया यू, और टी की जगह आ गया मेरा ये, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए। अब ऐसा स्ट्रैंड, यानी मुझे जो mRNA फॉर्म करना है वो मेरा स्ट्रैंड पे फॉर्म हो रहा है 5-3-, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो प्रमोटर होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रमोटर्स कुछ नहीं होते, प्रमोटर्स हमारे न्यूक्लियोटाइड का बेस होते हैं, जैसे कि टाटा बॉक्स होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का बेस है जो कि कौन सी पोजीशन पे लगता है, फिफ्थ पोजीशन पे। तो इस टाटा बॉक्स के पास रिकॉग्निशन पावर होती है कि मेरे फिफ्थ पोजीशन को पहचान सकता है। तो अगर ये फिफ्थ पोजीशन को पहचान रहा है, इसका मतलब ये यहीं पर आके अटैच होगा, यानी मेरा जो mRNA का सिंथेसिस है वो 5-3 डायरेक्शन में चलेगा, राइट, 5-3 डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि टाटा बॉक्स जो कि कैसा है, जो कि प्रमोटर है, जो कि क्या है, एक प्रमोटर है और न्यूक्लियोटाइड का बेस है, इसके पास रिकॉग्निशन साइट होती है फिफ्थ प्राइम पोजीशन के लिए। तो ये मेरा mRNA बन गया, यानी मेरा DNA, मेरा mRNA जिस DNA को कोड करेगा वो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, जिसको वो कोड करेगा वो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड होगा, और जिसको वो बेस बना के जिसके ऊपर काम करेगा वो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। वो मेरा कौन सा स्ट्रैंड हो जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, और ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। यानी मुझे कोडिंग स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट एज इट इज ज्यादा नहीं है, सिर्फ मुझे अपना कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाद में ये डिजेनरेट हो सकता है क्योंकि मुझे इसकी कोडिंग mRNA पे मिल चुकी है। तो NCERT में यही लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि हमारा जो फिफ्थ पोजीशन से थर्ड वाला जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये बाद में हमें इसकी जरूरत नहीं होती और ये एक यूजलेस स्ट्रैंड की तरह काम करता है। आइए, तो हमारे पास अब आपको ये समझ आ गया कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा स्ट्रैंड आपका कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो क्या मैं ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए कि DNA के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रैंड है जो एंटी सेंस है या एंटी कोड है, जो कोड नहीं करता, तो वो कौन सा होता है हमारा, वो हमारा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड होता है हमारा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो यानी मैं कह सकती हूँ आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड कॉल्ड द एंटी सेंस स्ट्रैंड, और मैं इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जान सकती हूँ, क्योंकि कोडिंग वाले का रोल नहीं था, अब उसने कोड करके अपने आप को वेस्ट कर दिया है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये अब क्या करेगा, ये अब DNA के फॉर्मेशन में, सॉरी mRNA के फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। सो इसके तीन मेजर स्टेप्स होंगे। अब DNA से mRNA बनाने के लिए मेरे पास थ्री मेजर स्टेप्स हैं। तो वो थ्री मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं? सो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास पहला स्टेप जो है वो होता है इनिशिएशन का, पहला स्टेप जो है वो इनिशिएशन का स्टेप है। दूसरा स्टेप मेरा इलोंगेशन होता है, और तीसरा स्टेप मेरा टर्मिनेशन होता है। तो ये थ्री मेजर स्टेप्स हैं जिनसे हम DNA से mRNA को फॉर्म करेंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करेंगे। सो हमें बस ये चीज यहाँ पर याद रखनी थी कि हमारी जो पोलैरिटी है वो 3-5 की तरफ जा रही है,
और एक 5-2-3 की तरफ जा रही है, और जो हमारे mRNA का सिंथेसिस होगा वो 5-2-3 डायरेक्शन में होगा। रीजन, क्योंकि जो प्रमोटर होता है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड का बेस होता है, इसके पास पावर होती है, क्या इसके पास पावर होती है किस पोजीशन को पहचानने की, 5th पोजीशन को पहचानने की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। टाटा बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज द हॉगनेस बॉक्स। ये अपने आप में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है ये सिर्फ कोड करने का काम करेगा, इसका एज सच रोल नहीं होगा, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा ये हमेशा काम करता रहेगा, और आरएनए जो आपका पॉलीमरेज आएगा वो इसी स्ट्रैंड के ऊपर काम करेगा। सो इसके अलावा जो बेसिक फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारा एंटीसेंस जो स्ट्रैंड है वो कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब रीजन क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे, सपोज ये वाला स्ट्रैंड जो है डीएनए का ये भी टेम्पलेट बना रहा है और ये वाला स्ट्रैंड भी आपका टेम्पलेट बना रहा है, तो इस केस में क्या होगा, पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मेरे पास दो आरएनए के सेगमेंट्स बन जाएंगे। अभी तक जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था, अब मेरे पास कितने आरएनए बन जाएंगे, 2 आरएनए बन जाएंगे, तो मेरे पास डीएसआरएनए बन जाएगा, कैपिटल डी नहीं लिखेंगे इसको, हम स्मॉल डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा डीएसआरएनए बन जाएगा, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है ये इंटरफेरेंस का काम करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही होगा तो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, यानी हमारे दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते, अदरवाइज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन जाएगा तो ये प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के अंदर प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की, राइट। सो एक रीजन पहला ये है। दूसरा रीजन है कि अगर हम यहां से एक को बनाना स्टार्ट करते हैं और दूसरे भी एमआरएनए को बनाते हैं तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा स्ट्रैंड चाहिए जो क्या हो, हमारा सिर्फ एक स्ट्रैंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक को ही कोड करे। तो इसलिए हमारा जो एमआरएनए होता है वो एक स्ट्रैंड पे फॉर्म होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड हमारा जो होता है वो बेस्ड हो जाता है। अब आता है व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिस्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो देखिए, सिस्ट्रॉन यानी स्ट्रक्चरल जीन की बात हो रही है। ऐसा कोई भी सेगमेंट डीएनए का जिस डीएनए के सेगमेंट पे आपके सिंथेसिस होने के लिए सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर आपका प्रमोटर आके अटैच हुआ, बेटा यहाँ पर आपका टर्मिनेटर अटैच हुआ। अब जो प्रमोटर से टर्मिनेटर वाला बीच का पोजीशन है या बीच का जो जीन है, इसी के पास कोडिंग होनी है सारी, इसी के पास सारे जीन्स हैं, इसी के पास प्रोटीन बनेगा, इसी के पास एमआरएनए बनेगा, तो इसको मैं कहूंगी सिस्ट्रॉन। इसको मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, सिस्ट्रॉन वर्ड यूज करूंगी इसके लिए। और अगर ये एक से ज्यादा है, जैसे कि ओपेरॉन्स के अंदर होता है, तो मैं इसको पॉलीसिस्ट्रॉन बोल दूंगी। अगर ये सिंगल है तो मैं इसको सिस्ट्रॉन वर्ड यूज करूंगी, और अगर ये एक से ज्यादा होगा जैसे कि हमारे ओपेरॉन्स में होता है, तो मैं इसके लिए पॉलीसिस्ट्रॉन वर्ड यूज करूंगी, लाइक इन द लैक ओपेरॉन इज द एग्जाम्पल। लैकोपेरॉन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो हमें सिस्ट्रॉन्स भी क्लियर हो गया, सिस्ट्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल जीन जो कि कोड करने का काम करेंगे। हमें तीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, इन तीन की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, इसको कई बार वो डीएनए पॉलीमरेज कर देते हैं। आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो हम डीएनए से क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं। तो जब हम डीएनए से आरएनए या एमआरएनए फॉर्म करेंगे तो जो हमें बनाना होता है हमें उसी का पॉलीमरेज चाहिए होता है, जो भी हमें बनाना है उसी का हमको पॉलीमरेज चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप किसका पॉलीमरेज यूज करेंगे, क्योंकि आपको एमआरएनए बनाना है तो आप किसका पॉलीमरेज यूज करेंगे, आप यूज करेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, कहीं पर भी लास्ट में एज वर्ड आ जाए मतलब हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। रेस्ट आपको ये प्रोसेस कैसे होता है, डीएनए से एमआरएनए या आरएनए कैसे फॉर्म होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले आपको ये बेसिक्स जानने जरूरी थे कि कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग की तरह काम करता है और कौन सा स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये सारा प्रोसेस आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियस है।
तो सारा प्रोसेस कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, और रेस्ट जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होगा वो आपका साइटोप्लाज्म में होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर की। तो न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिस प्रेजेंट होंगे जो पूरा एमआरएनए बनने में हेल्प करेंगे ये कहाँ पर होंगे आपके आपके पाए जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। थैंक यू सो मच।